नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपका SBI बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि SBI बैंक में बिना कहीं गए घर बैठे अपना मोबाइल फोन से मात्र 2 मिनट में KYC को किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप SBI बैंक में आधार NPCI DBT को लिंक करना चाहते हैं तो फिर आप किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। दोनों तरीका इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि KYC किस प्रकार से कर सकते हैं और NPCI DBT आधार कार्ड को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। दोनों तरीका इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है NPCI, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। NPCI का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कंज्यूमर, और इसके सामने देखने के लिए मिल जाता है प्लस। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आधार सीडिंग इनेबलर के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है। चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से स्टेटस ओपन हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि मेरा बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक है या नहीं है। सबसे पहले देख लेना है, अगर लिंक नहीं है तो फिर आप बहुत ही आसान तरीका से लिंक कर सकते हैं, जो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैपिंग स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद किस डेट में जो है कि लिंक हुआ है उसका डेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। किस डेट में आपने रिक्वेस्ट किए हैं उसका डेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सी बैंक में आधार NPCI DBT लिंक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है। तो इस तरीका से सबसे पहले चेक कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप लिंक कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों, SBI बैंक में NPCI DBT को लिंक करने से पहले हम KYC के बारे में जान लेते हैं कि KYC हम घर बैठे ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर में टाइप करना है SBI, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन के ऑप्शन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका SBI का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालकर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। अगर यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया हुआ नहीं है तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है न्यू यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद इस प्रकार के पेज ओपन यहाँ पे हो जाता है। इस पेज में जो भी अकाउंट का डिटेल्स मांगा जा रहा है यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करके यहाँ से सबसे पहले जो है कि ID पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, यानी यूजर नेम पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके सबसे पहले लॉगिन कर लेना है इस पोर्टल पे। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है अपडेट KYC का एक सर्विस, इसी सर्विस के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए KYC करने के लिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, और जो आपका पहले से डिटेल्स होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले बॉक्स पे टिक आउट करना, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जो है कि KYC अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत लोग को मालूम नहीं रहता है वो क्या करते हैं कि NPCI DBT को लिंक कराने के जगह पे वो बैंक में जाकर KYC करा लेते हैं।
फिर एक दो दिन के बाद वह स्टेटस चेक करते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक हुआ है या नहीं है। बहुत लोगों को समझ में यही है कि हम KYC कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। KYC का मतलब होता है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है बैंक के द्वारा। यहाँ से उन लोगों को KYC किया जाएगा जिनका पहले से ऑलरेडी KYC कंप्लीट है और बैंक के द्वारा जो है कि कॉल करके बोला जाता है या फिर SMS के द्वारा बताया जाता है कि आपका KYC डीएक्टिवेट हो गया है, बैंक आकर KYC कंप्लीट करा लें, यानी re-KYC करने के लिए बोला जा रहा है। क्या होता है कि बैंक के द्वारा 1 से 2 साल के बाद जो है कि सभी को फिर से KYC करने के लिए बोला जाता है कि आपका KYC डीएक्टिवेट है, KYC आकर करा लें। तो इस तरह का अगर दिक्कत है तो घर बैठे आप इस प्रकार से re-KYC कंप्लीट कर सकते हैं। KYC यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं तो ये नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार NPCI लिंक हो गया है, उसका लिंक करने का कुछ अलग प्रोसेस है। चलिए इस वीडियो में हम दिखा देते हैं कि SBI बैंक में अब NPCI DBT को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए ब्राउजर में टाइप करना है DBT भारत, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आधार के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है सिटीजन कॉर्नर के ऑप्शन और इसके सामने देखने के लिए मिल जाता है एरो का चिन्ह, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर, इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, इस फॉर्म को सबसे पहले जो कि हार्ड कॉपी निकलवा लेना है, किसी भी साइबर कैफ में जाकर हार्ड कॉपी को निकलवा लेना है और इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद इसके साथ बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और इस फॉर्म को साथ में पिनअप करके आपको ब्रांच चले जाना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद 2 से 3 दिन में जो है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार NPCI DBT लिंक हो जाता है। तो SBI बैंक में अगर आप NPCI DBT को लिंक करना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्म फिलअप करके बैंक में जाकर आपको सबमिट करना होगा, यानी ऑफलाइन तरीका से आपको लिंक करवाना होगा। अगर आप KYC करना चाहते हैं तो घर बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं और दोनों का प्रोसेस अलग अलग है और दोनों का कार्य अलग अलग है। DBT NPCI अगर आप लिंक करते हैं, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होगा DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, या स्कॉलरशिप हो गया या गैस सब्सिडी हो गया, ये सब जो है कि पेमेंट DBT के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि KYC कैसे करना है और NPCI DBT को कैसे लिंक करना है।